हेलो बच्चों, तो नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। इसकी स्टार्टिंग डेट 9 फरवरी 2024 है और जो एंड डेट है वो 9 मार्च को है। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए पूरा एक महीना मिलेगा। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, आइए हम आपको बता देते हैं। तो एनटीए ने जो स्टार्टिंग डेट दी हुई है, रिलीज डेट दी हुई है फॉर्म भरने की, वो है 9 फरवरी। आप 9 बजे से स्टार्ट करेंगे फॉर्म भरना और उसकी जो एंड डेट है वो 9 मार्च है और 11:50 11:50 PM रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके लिए फॉर्म भरने के लिए जो जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए फॉर्म 1700 रुपये का होगा। जो OBC वगैरह है उनके लिए फॉर्म 1600 रुपये का होगा। अदर कैटेगरी के लिए फॉर्म 1000 रुपये का होगा। जो जो पेपर है, पेपर आपका 5 मई को होगा, संडे के दिन होगा। पेपर 3 घंटे 20 मिनट का होगा जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो आइए आपको बता देते हैं। आपको जरूरत पड़ेगी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन की जरूरत पड़ेगी, सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट चलेगा, क्लास 12th मार्कशीट, क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड कुछ भी होगा तो वो लगेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आपके अंदर कोई फिजिकली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नहीं है तो आप उसको लीव कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा एप्लीकेबल। अगर आपकी कैटेगरी है कोई, जनरल की कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, SC ST के लिए ये एप्लीकेबल होगा, उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। सिटीजनशिप लगेगा अगर एप्लीकेबल है तो। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगी। तो ये फॉर्म आप एकदम से मत भर दीजिएगा, अभी एकदम से पैनिक मत करिएगा। ये हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फॉर्म कैसे भरेंगे, सिस्टमेटिकली एक एक स्टेप बताएंगे, बहुत आराम से बताएंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने इसलिए आपको बताई हुई हैं ताकि आप ये सारी चीज़ें ना अरेंज करके रख सकें, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करना, परेशान बिल्कुल मत होना, घबराना नहीं। अभी पूरा एक महीने का टाइम मिला हुआ है और अपना तैयारी करते रहना। कल सारे स्टेप बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करेंगे। ऑल द बेस्ट।